गुड मॉर्निंग टू ऑल. डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है. आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी. यस जी हाँ, जैसे कि आज की डेट में जो लोगों को प्रॉब्लम है इंसोम्निया, नींद ना आना, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. 1/3 ऑफ लोगों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होता है. 1/3 ऑफ रेशियो है जिनको नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में भी, वो पूछते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती है तो हम क्या करें. उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको आपने फॉलो करना है, और आप देखेंगे आपका जो नींद का साइकिल है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. नींद आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से हमारा जो नींद का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है. वो आज की डेट में चाहे स्टूडेंट है, अडल्ट है, या बुज़ुर्ग जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है. तो आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली आपको करनी है, और उसके बाद आप देखेंगे अपना साइकिल इम्प्रूव करेंगे आप नींद का. सबसे पहले पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि जो नींद का है कितने घंटे सोना चाहिए. वैसे जो अप्रॉक्सीमेटली जो एक साइकिल बोला गया 6 से 8 घंटे की जो नींद है, मैक्सिमम लोगों की 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है, वो फ्रेश फील करते हैं. लेकिन कुछ लोग 6 घंटे की नींद में फ्रेशनेस फील करते हैं, कुछ लोग 8 घंटे में. अगर आप 6 घंटे में फ्रेश फील करते हैं तो आपके लिए वो साइकिल अच्छा है. अगर आप 8 घंटे में फ्रेश फील करते हैं तो आपको 8 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि सबका वेरी करता है, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे. तो इसमें सबसे पहले जो मैं टिप्स बताऊंगी आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप सोने जाते हैं तो आपका जो रूम है वो डार्क होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए. जब आप अपने रूम में जाते हैं तो उसका टेम्परेचर है ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म, एक उसको मेंटेन करना है आपने टेम्परेचर को. बहुत ठंड होगी तो भी आपको नींद नहीं आएगी, बहुत गर्मी होगी तो भी आप सो नहीं पाओगे. और जो तीसरा जो है, अगर आप जो क्वाइटनेस, शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर शोर होगा आप नहीं सो पाओगे. फिर एक और अगला जो टिप्स है वो है, अगर आपके घर में पेट्स है आपने, या कोई मैक्सिमम लोगों ने घर में पेट्स पाल रखे हैं, जैसे किसी के पास छोटा पप्पी है, डॉगी है, वो आपके रूम में सोता है, तो आप कोशिश कीजिए उसको दूसरे रूम में रखें, क्योंकि आपको एक क्वाइटनेस की ज़रूरत है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. पांचवा है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. रात को एक्सरसाइज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सुबह की एक्सरसाइज है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर योर इंसोम्निया, आपकी अच्छी स्लीप के लिए. और जो आप कुछ लोग हैं दिन में नैप्स, दिन में थोड़ी बहुत थोड़ी देर सोते हैं और वो कहते हैं हम फ्रेश फील करते हैं, बट जिनको रात में नींद का प्रॉब्लम है उनको दिन में नहीं सोना चाहिए. और आपकी एक है फूड हैबिट्स, आपकी हेल्दी फूड होना चाहिए, और जो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, और रात को आपको लाइट खाना खाना चाहिए. और बहुत सारे फूड्स हैं जो इंसोम्निया के लिए बोला गया है, जैसे अखरोट है, बादाम है, मिल्क विद हनी है, एंड रेड चेरी है, वो हमारी नींद की क्वालिटी को अच्छा करती है. उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. और आपको जो है मैंने बोला आपको फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, स्पाइसी खाना रात को नहीं खाना है, और आपको फास्टिंग भी नहीं करनी है. कुछ ना कुछ खाइए, लाइट खाना खाइए, और वो आपके लिए अच्छी नींद लाएगा लाइट खाना खाना, बट आपको स्किप भी नहीं करना है फूड. और फिर फ्लूड, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा फ्लूड इंटेक लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, फिर उनको बार बार नाइट को डिस्टर्ब होती है उनकी नींद, वॉशरूम जाना पड़ता है. इसलिए जो मेनली है टी कॉफ़ी है वो 7-8 बजे के बाद आप बिल्कुल 6-7 बजे के बाद अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो कॉफ़ी है उसमें कैफिन होता है, वो स्टिमुलेंट करता है तो आपकी नींद के साइकिल डिस्टर्ब करता है. और रात के टाइम है मेनली जो स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो एक ट्रिगर है, उससे आपको प्रॉब्लम रहेगा. और अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप रूम में चले गए हैं, तो कुछ माइंड रिलैक्सेशन के लिए टिप्स है, जैसे कि आप है आपको शावर, अगर हो सके पॉसिबल है तो शाम के टाइम आप गुनगुने पानी से शावर लीजिए. लेकिन अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो आप अपने हाथ पैरों को गुनगुने पानी से धोइए, पैरों पर पानी डालिए, उससे आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी. और नाइट के टाइम में जब आप बेड पे जाते हो, बेड पे आपको तभी जाना चाहिए जब आपको नींद आती है. कुछ लोग खाना भी बेड पे खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम बेड पे जाते हैं तो हमें एक सिग्नल मिलता है, हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि हमें सोना है. तो एक वो
बॉन्डिंग बन जाती है माइंड और स्लीप की, तो एक सिग्नल मिल पाता है। ऐसे हमें सिग्नल नहीं मिल पाता, हम लोग टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, या इससे हमारा जो स्लीप साइकिल है उसे डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हम चले तो गए लेकिन हम सोने के लिए नहीं गए, हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं। और हमें जो अगर नींद नहीं आ रही है उस वक्त, हमें माइंड रिलैक्सेशन के लिए कोई लाइट म्यूजिक सुन लीजिए, वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। और लाइट बुक्स पढ़नी है, कोई भी आपने हॉरर बुक्स है या हॉरर वीडियो है, हॉरर मूवीज नहीं देखनी है, क्योंकि वो आपको नींद नहीं लाएगी। और ज़्यादा फ़ोन मैक्सिमम देखा है आज की डेट में, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सभी ही बेड पे जाके बहुत देर तक जो है फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या टीवी देखते हैं, वो ज़्यादा नहीं करना है। उससे हमारा जो नींद का साइकिल है डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बेड पर जाने का मतलब है कि मैंने बोला कि आपको सोना है, और सोने का टाइम आप एक जो है फिक्स कर लीजिए कि अगर मुझे 8 बजे सोना है या मुझे 10 बजे सोना है, तो मुझे कल भी 10-15 मिनट लेट हो सकते हैं, तो वो साइकिल रखना। ऐसा नहीं है कि आज आप 8 बजे सो गए, कल 10 बजे और परसों 12 बजे। और अगर आप रात को सो रहे, सुबह का टाइम आप फिक्स रखिए कि मुझे इतने बजे उठना है। मैंने बोला 10-15 मिनट लेट हुआ जा सकता है, लेकिन वो रूटीन आपको ख़राब नहीं करना है, इससे आपका स्लीप साइकिल है जो फिक्स हो जाएगा। और एक्टिविटी जैसे मैंने बोला कि नींद फिर भी नहीं आ रही, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, माइंड को शांत कीजिए, जो भी मैंने जैसे बोला म्यूज़िक सुनिए। और अगर हाँ, और बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फिर भी नींद नहीं आती है, हम मेडिसन ले या ना लो। देखो मेडिसन्स, पहले बहुत सारी मेडिसन्स आती थी जो आपको सुला रखती थी, बहुत ज़्यादा आलस आता था, लेकिन अब बहुत अच्छी अच्छी मेडिसन्स है एक जो साइकिल को वो नॉर्मल करती हैं, उसकी हैबिट नहीं पड़ती है हमें। होम्योपैथी में भी, अदर पैथीज में भी है। आप जो स्लीपिंग ड्रग्स है वो अपने आप से आप बिल्कुल भी ना लीजिए, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसको अपना केस हिस्ट्री दीजिए, फिर ही आप मेडिसन स्टार्ट करनी चाहिए, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। और ये कुछ टिप्स थी जो आपको नींद में बहुत ही हेल्पफुल करेगी। और आप जब है रिलीजियस थेरेपी है, जो भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं उसमें भी आप ध्यान रखिए, और आपको ये सारी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करेगा। और आपको क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, बाकी मैं फूड का भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सा फूड है जो आपकी नींद के लिए हेल्पफुल है। ये मैंने कुछ टिप्स बताई हैं, आप इसको अप्लाई कीजिए, ये ज़रूरी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ़।